नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। जी हां, बिजनेस, किसी भी बिजनेस को कैसे डेवलप करें, छोटे से बिजनेस को बड़े बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें और ऊंचाइयों पर कैसे लेके जाए। देखिये, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से हर चीज इसलिए क्लियर कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास 10 साल का मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। और पहले मैं एक्चुअली स्टार्टिंग में जॉब में था, जॉब के बाद मैंने अपना पर्सनल बिजनेस सेट करा। पर्सनल बिजनेस सेट करने के बाद आज सब कुछ XYZ A to Z चीजें मेरे पास है जो होनी चाहिए, मतलब एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सब कुछ है। और आप मुझे क्यों सुने, मैं अगर आपको आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी बातें बता रहा हूँ या बिजनेस टॉपिक को मैंने आज स्टार्ट करा है और बिजनेस के साथ साथ में मैं मार्केटिंग कंसेप्ट के ऊपर भी आज बात करने जा रहा हूँ कि कैसे किसी बिजनेस की मार्केटिंग की जाए कि वो बहुत जल्दी स्पीड में डेवलप हो जाए, तो आप मुझे क्यों सुने। इससे पहले मैं आपको कुछ सर्टिफिकेट्स को डॉक्यूमेंट्स बताना चाहूंगा। देखिये, ये टाटा AIG का सर्टिफिकेट है, ये नाम मेंशन है मेरा अमित शर्मा और मैं यहाँ टाटा AIG के अंदर जॉब कर चुका हूँ और असिस्टेंट बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की पोस्ट पर था मैं इस कंपनी के अंदर। और इसके अलावा ये नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर था, काफी पुराना अपॉइंटमेंट लेटर है ये। और ये है बिरला सनलाइफ, बिरला सनलाइफ कंपनी को अच्छी तरह आप लोग जानते हैं, टाटा बिरला कंपनी से वैसे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, सब लोग इसको जानते हैं। ये है एजेंसी मैनेजर की पोस्ट थी मेरी और इस मैनेजर की पोस्ट पे भी मैंने काफी समय तक काम करा है और मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मैंने ट्रेनिंग भी अटेंड करी है और काफी एक्सपीरियंस भी लिया है। तो मार्केटिंग जो है, क्योंकि मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं किसी भी बिजनेस को बहुत जल्दी इजी गोइंग डेवलप कर सकता हूं। तो मैंने आप लोगों के लिए आज कुछ पॉइंट्स बनाए हैं और ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको फॉलो करें 101%, वो बिजनेस जो आपका 10 साल में सेटल होने वाला है वो एक साल में आपका सेटल हो जाएगा, एक साल में उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा जिस बिजनेस को पहुंचने में 10 साल का समय लगता है उस ऊंचाई पर। तो क्या है वो पॉइंट, क्या है वो कॉन्सेप्ट, क्या है वो मार्केटिंग का आइडिया जो आइडिया किसी बिजनेस को बूम कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए और उन पॉइंट्स पर चर्चा करने से पहले मैं एक बात और बोलना चाहूंगा आप लोगों को, क्योंकि मैं हरदम मेडिटेशन की बात करता रहता हूँ, ड्रीम्स की बात करता रहता हूँ, सपनों की बात करता रहता हूँ, तो आप ये जो पॉइंट्स हैं इनको जब अपनी लाइफ के अंदर यूज करना स्टार्ट करेंगे, अपने बिजनेस के ऊपर यूज करना स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले दो एनर्जी को साथ में और रखें, अपने पॉकेट में रखें, एक मेडिटेशन एनर्जी और एक एनर्जी ड्रीम्स की एनर्जी, क्योंकि ये दोनों एनर्जी है इन पॉइंट्स को काम करने के लिए आपको प्रेरित करेगी। यानी कि जो मैं आपको ये बिजनेस आइडियाज दूंगा, ये बिजनेस के जो जितने भी मैंने नोट्स बनाए इनके बारे में आपको बताऊंगा, तो इनके ऊपर जो एक्शन करना है उस एक्शन की जो एनर्जी है वो दो तरीके से आपको मिलेगी, एक तो मेडिटेशन से मिलेगी और एक मिलेगी आपके ड्रीम से। और ड्रीम्स के ऊपर बात करना जरूर चाहूंगा मैं, क्योंकि मेरे साथ एक घटना हुई थी शुरू से ही, मतलब मेरा एक ड्रीम था कार, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से है, कार एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और मैंने कई मीटिंग सेमिनार्स में सुना था, मोटिवेशनल सेमिनार में अटेंड करता रहता हूं, तो उसमें मैंने सुना था कि भाई कार का अगर आप कोई चित्र लगा लें अपने रूम में, बेडरूम में, और उस पर डेट लिख दें तो उस डेट तक वो सपना पूरा हो सकता है। और मैंने उस चीज को फॉलो करा, अल्टो LXi का एक कैटलॉग लाया, उस कैटलॉग को टेपिंग करके अपने रूम में चिपका दिया, डेट डाल दी भाई मुझे ये 12 महीने बाद, एक साल बाद ये कार मुझे चाहिए। कलर था सिल्वर, LXi मॉडल था। तो जब मैंने ये काम करा तो मेरा एक फ्रेंड था संदीप, और वो अक्सर मेरे घर आया करता था और वो मेरे उस पोस्टर को देखा करता था, उस कैटलॉग को देखा करता था और मुझ पर हंसता था, बोले ऐसे सपने पूरे होने लग गए, तो मैं कल ही एरोप्लेन का एक कैटलॉग लाता हूँ वो भी चिपका देता हूँ, मेरे भी घर एक एरोप्लेन आ जाएगा या हेलीकॉप्टर का लिया था। तो मैं उसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देता था क्योंकि मेरा मोटो क्लियर था, मेरा लक्ष्य लाइफ में क्लियर था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो जब भी आता, जब ऐसी हरकत करता और उस टॉपिक को लेके जरूर कुछ ना कुछ कॉमेडी करता, और ये चर्चा चलती रही चलती रही चलती रही, समय निकलता रहा, समय 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने निकल गए, 12 महीना जब लगभग आने लगा, मैं अपने काम को पूरी शिद्दत से कर रहा था, पूरी मेहनत लगन के साथ कर रहा था, 12 महीने कंप्लीट हो गए। उसके बाद वो एक दिन फिर आया मेरे रूम के अंदर और उस समय वो पोस्टर वहां नहीं था और वो फिर हंसने लगा मेरे ऊपर, बस हो गए तेरे सपने पूरे, हो गए तेरे ड्रीम पूरे, हटा दिया आज तो तूने ये पोस्टर। फिर मैं उसको साथ में लेके गया पीछे गैराज के अंदर जहाँ हमारी कार पार्क होती है, और वहां मैं न्यू ब्रांड शोरूम अल्टो LXi सिल्वर कलर की कार जो आज भी मैं यूज करता हूँ अपने पर्सनल काम के अंदर, वो वहां खड़ी थी और मैंने उसको दिखाई। तो सपने पूरे होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, 101% होते हैं, लेकिन आपका फंडा क्लियर होना चाहिए।
आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एक्स वाई जेड की मैं इस सपने को पाकर रहूंगा। मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, जो आपका एक्साइटमेंट है अंदर, जो आपके अंदर एक पैशन है, एक जुनून है, वो अगर बरकरार रहा किसी भी सपने के लिए तो वो आपको जरूर मिलेगा। और ये एक फिल्म में ये बात भी कही गई है, ये कह दी गई, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। शाहरुख खान की मूवी थी, उसमें कहा गया था कि आप किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। और ये बिल्कुल फैक्ट है, 101% सही है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बिजनेस, किसी भी नए बिजनेस को कैसे सेट करें। क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं तो एक छोटे से छोटे बिजनेस को उठाते हैं अपन, उसको भी बहुत ऊंचाइयों पर कैसे लेकर जा सकते हैं। परचूनी का बिजनेस, यानी कि किराने की स्टोर, यानी कि जो डेली यूज होम अप्लायंस, होम प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। और ये जो होम प्रोडक्ट है, होम नीड्स प्रोडक्ट है, वो बिजनेस कैसे सेट किया जाए, यानी कि एक परचूनी की दुकान कैसे सेट की जाए। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इसके लिए मैंने कुछ नोट्स बनाए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले उस बिजनेस को आधार देना है, उस बिजनेस को एक ब्रांड देना है, नाम देना है। आपने उस बिजनेस का कोई भी नाम रखा, कोई भी एक्स वाई जेड जनरल स्टोर नाम रख दिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि उसमें क्राफ्टिंग करनी है। क्राफ्टिंग का मतलब होता है कि उसको ब्यूटीफुल बनाना है, यानी कि आप हरदम अपना ध्यान जो लगाएं, आपने उसमें माल भर दिया, अपनी दुकान को अच्छे से सजा दिया, फिर भी उसकी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए उसमें ध्यान लगाएं, अपना जो चित्त है, अंदर की जो चित्त शक्ति आपकी, वो आपके बिजनेस पे रहनी चाहिए एनी टाइम। लोग क्या करते हैं, बिजनेस में पैसा लगा देते हैं, माल लगा देते हैं, और एक साथ में टीवी भी लाते हैं, एलसीडी भी लाते हैं परचेस करके, और उसको सामने लगा देते हैं, रिमोट उनके हाथ में होता है, जब भी कस्टमर आदि नहीं होते हैं तो टीवी देखते रहते हैं दिन भर बैठे बैठे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो चित्त शक्ति है वो आपने टीवी में लगा दी, वेस्ट कर दी। उस समय आपको अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करना है उस बारे में सोचना है, और अपनी जो एनर्जी है, जो अंदर की एनर्जी है, उसको लगाना अपने बिजनेस पर, कि इसे कैसे बढ़ाऊं, इसे कैसे और डेवलप करूं। तो आपको क्राफ्ट से रिलेटेड बहुत सी वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगी कि कैसे आप अपने स्टोर को या अपनी दुकान को और ज्यादा क्रिएटिव तरीके से समझा सकते हैं। मतलब कोई आर्किटेक्ट की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ना कोई इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत है। आपको कोई 2 लाख 5 लाख भी खर्च नहीं करना है, 2-5 हजार में ही बहुत बढ़िया डेकोरेशन हो जाएगा। उसके लिए कुछ आइडियाज होते हैं क्राफ्ट से रिलेटेड, वो आप यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत से आपको आइडिया मिल जाएंगे कि कैसे आप अपनी दुकान को अट्रैक्टिव और कुछ घर की वेस्ट चीजों से बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो उस पर हरदम ध्यान करें, अपना विजिटिंग कार्ड छपवाएं, अट्रैक्टिव विजिटिंग कार्ड छपवाएं, कैटलॉग छपवाएं, अपना ब्रोशर छपवाएं। और ब्रोशर कैसा छपवाना है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैं अभी इसी पॉइंट पे बात कर रहा हूं, तो मैं सारी चर्चा इसी पॉइंट पे करूंगा। उसके बाद आप अपने एनवलप छपवाएं, अपने आपको एक ब्रांड की तरीके से ट्रीट करें, खुद फील करें कि आई एम अ ब्रांड। और एक अपने लेटर हेड प्रिंट करवाएं, इसके अलावा बिल बुक प्रिंट करवाएं, अकाउंट खुलवाएं, करंट अकाउंट खुलवाएं, जो भी फॉर्मेलिटीज होती है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद उस बिजनेस को आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ाना है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब जो कस्टमर्स हैं वो आपके आने स्टार्ट होंगे, कस्टमर्स की एंट्री स्टार्ट होगी। तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, उस बुक के अंदर एक किराना स्टोर वाला ही था वो, और उस किराना स्टोर वाले के इतनी भीड़ रहती थी, इतनी भीड़ रहती थी कि वहां पैर रखने की जगह नहीं थी, जबकि उसके आसपास 10 किराना स्टोर और थी, 10 जनरल स्टोर और थी, वहां इतनी भीड़ नहीं रहती थी। तो एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि सर आपके इतनी भीड़ क्यों रहती है, तो उसने जवाब दिया था क्योंकि मैं अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनको नाम से ट्रीट करता हूं। यानी कि उसने लगभग 10-15 हजार कस्टमर्स के नाम याद कर रखे थे, उसे पर्टिकुलर नाम याद था। यानी कि अगर मैं उसके पास जाऊंगा, उस किराना स्टोर वाले के पास जाऊंगा, तो वो मुझे ऐसे बोलेगा, आइए अमित जी, क्या हालचाल है आपके। और ये जो फीलिंग, ये जो टच आपने अगर किसी कस्टमर को दे दिया तो वो एक पर्सनल टच है, और ये टच उसको आपसे हटने नहीं देगा। दूसरी मतलब दुकान की तरफ तो वो सोच ही नहीं सकता, वो रिन्यूअल कस्टमर आपका हो गया, वो बार 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 आपके पास ही आने वाला है। तो ये कैसे करना है, ये भी एक कंसेप्ट है। मान लीजिए कि मेरा नाम अमित है, अब मेरे नाम को आपको कैसे याद रखना है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत आसान तरीका है। ऐसा आदमी आपको ढूंढना है जो अमित नाम का हो, आपके रिलेशन में हो, जिसे आप भूल नहीं सकते, और मेरे फेस को उसके फेस से कनेक्ट कर देना है। चंद सेकंड के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक नाम लेता हूं एक एग्जांपल के लिए, दिनेश। अब ये मैंने दिनेश नाम लिया, अब आप सोचिए समझने कि आपके रिलेशन में, रिश्तेदार में, फ्रेंड सर्किल में दिनेश नाम का कौन है, ठीक है। अब ये पैन ही एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसका नाम दिनेश है, और जिस रिलेटिव है आप, जिसका नाम मैं आप उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, वो जो दिनेश है उसको इससे कनेक्ट कर दीजिए। तो इस पेन का नाम आप कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि आपने उसके फेस को इससे कनेक्ट कर दिया, और वो फेस आप कभी भूल ही नहीं सकते, वो आपके फोटोजेनिक मेमोरी के अंदर फीड है। तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर्स के नाम भी याद रख सकते हैं,
कोई भी कस्टमर ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, आइए सर, कहाँ रहते हैं सर आप और क्या नाम है आपका, आप नाम पूछकर उससे एक अच्छे रिलेशन बना सकते हैं। ये रिलेशन आपको किसी बिजनेस को डेवलप करने के लिए बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट। 101% बिजनेस का जो आधार है वो ये है, आप अपने मार्केटिंग टिप्स के थ्रू, अपने मार्केटिंग आइडिया के थ्रू, अपनी मार्केटिंग स्किल्स के थ्रू कोई प्रोडक्ट बेच सकते हैं, लेकिन उस कस्टमर को अगर दोबारा बुलाना है तो आपके पास क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। आपको इतना विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर कि मेरे इस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है 1% भी, और मेरा जो ये प्रोडक्ट है 100 आने मतलब एकदम खरा है, 24 कैरेट जो गोल्ड है वो है ये। मतलब आप ये फील कब कर पाएंगे, जब किसी प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करेंगे, तो आपको उस समय जब आप अपनी शॉप पे बैठे हैं, टीवी नहीं देखना है, आपको उस जिस भी बिजनेस में आप डील कर रहे हैं, भले वो कपड़े से रिलेटेड बिजनेस हो, भले टॉयज से रिलेटेड बिजनेस हो, भले परचूनी से रिलेटेड हो, भले किसी से भी रिलेटेड हो, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च करने के लिए मोबाइल में यूट्यूब है, बहुत से ऑप्शन है, आप उस पर रिसर्च करें करें करें, तो आपको धीरे 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 उसकी नॉलेज बढ़ेगी, और नॉलेज जो है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में एक्स वाई जेड सब जानते होंगे कि भाई इसमें क्या खामियां है, क्या इसकी ब्यूटी है, और उसके आधार पे आप अपनी परचेजिंग करेंगे अपने शॉप के लिए, और वो जो क्वालिटी परचेजिंग होगी वो कस्टमर को वापस खींच के लाएगी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आपकी नॉलेज के आधार पर बढ़ चुका है, और कॉन्फिडेंस के साथ आप कस्टमर को भी ट्रीट कर रहे हैं, और सबसे पहली बात आप उसको क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं जो वो घर पे यूज करेगा, उसे अच्छा लगेगा। अगर उसने गलती से कहीं दूसरी दुकान से बाय चांस कभी परचेज कर भी लिया और उस क्वालिटी को कंपेयर करा, तो उसको ये चीज समझ में आ जाएगी कि नहीं, उस सामने वाले की शॉप बिल्कुल सही है, वो आदमी जो चीज बोलता है वो ही सामान हमें देता है। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। क्वालिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का, मैं इसको नंबर 1 पर रखता हूँ, मार्केटिंग से भी पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केटिंग स्किल्स से पहले भी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी होनी चाहिए आपके पास। फिर इसके बाद आप स्टार्ट करते हैं, आप थोड़ा सा डोनेशन, देखिए डोनेशन जो शब्द है, अब आप सोचेंगे भाई बिजनेस हमने स्टार्ट करा, आप डोनेशन कैसे करते हैं, अभी से दान करना कैसे स्टार्ट करते हैं, तो ये कुछ उस तरह का दान नहीं है जिस तरह की मैं बात कर रहा हूँ, ये कुछ अलग किस्म का दान है। ये आप अपने टोटल रेवेन्यू में से, अपनी इनकम में से, मान लीजिए आपने 20,000 कमाए, 10,000 कमाए, उसमें से 100, 200, 500 रुपए आपको अलग रखना है, एक अलग पॉकेट में मान लीजिए, और उसकी कुछ कुछ परचेजिंग करनी है जो छोटे बच्चों के लिए होगी। आपकी शॉप पे अक्सर छोटे बच्चे आएंगे, भले वो शॉपिंग करने आ रहे हैं, पेरेंट्स तो उनके साथ जरूर आते हैं बच्चे, तो उनको चॉकलेट्स दीजिए या फिर कुछ ऐसे गिफ्ट्स दीजिए जो उनकी कॉस्टिंग भले कम हो, वो 5-10 रुपए के ही हो, लेकिन अगर कोई आदमी आपके 2-5 हजार की परचेजिंग कर रहा है, तो उसे वो छोटे गिफ्ट दीजिए बच्चों को, वो बच्चों के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट बन जाएगा कि भाई इस शॉप पर हम जाते हैं तो हमें ये चॉकलेट्स भी मिलती है और ये गिफ्ट्स भी मिलते हैं, तो वो भी अपने पेरेंट्स को हरदम मूव करेंगे कि नहीं हमें वहीं से ही वो परचेजिंग करनी है, वहीं से वो शॉपिंग करनी है। तो ये जो डोनेशन मैंने शब्द यूज किया, ये एक तरीके से उसका आपको रिटर्न नहीं मिलना, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, वो जो 500 रुपीज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एक मान लीजिए डोनेशन के रूप में, वो 500 के आपको 5,000, 5 लाख रुपीज रिटर्न के रूप में मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इस पॉइंट को भी आप नजरअंदाज ना करें, अपने बिजनेस के अंदर यूज करें। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, इसके बाद जो पॉइंट है वो होम डिलीवरी। देखिए सबसे पहली चीज, आज का जो मार्केट है वो बिजी मार्केट है, हर व्यक्ति बिजी है, समय की प्रॉब्लम है। अब आपको करना क्या है, होम डिलीवरी स्टार्ट करनी है, होम प्रोडक्ट की कैसे स्टार्ट करनी है, बहुत ईजी है। सबसे पहली चीज, आप एक चार्ट तैयार करेंगे और उस चार्ट के अंदर आपको जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जैसे दाल है, चावल है, शक्कर है, जो भी होम नीड्स के प्रोडक्ट हैं, पैकिंग प्रोडक्ट की बात अलग हो गई, जो लूज प्रोडक्ट है उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी पैकिंग्स बनाइए, मतलब 250 ग्राम की पैकिंग हो गई, आधा किलो की हो गई, 1 किलो की हो गई, 2 किलो की हो गई, 5 किलो की हो गई, उनकी बिजी रहिए, मतलब आप अपने समय को यूटिलाइज कीजिए जब आप फ्री बैठे हैं। तो उस समय आपको क्या करना है, आपको अपने जो प्रोडक्ट है उनको अलग 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 पैकिंग करनी है उनकी, और एक लिस्ट तैयार करनी है जितने भी प्रोडक्ट आप अपनी शॉप पर रखते हैं, और उन प्रोडक्ट को आप एक कैटलॉग में लिस्ट वाइज तैयार कर लीजिए। अब आपने लिस्ट वाइज प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट बना ली है, और उस लिस्ट में आपने बकायदा हर चीज मेंशन कर दिया कि ये 250 ग्राम की पैकिंग, ये, और आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप नंबर उस पर लिखना है अपना, और वो कैटलॉग हर कस्टमर को देना है जो आपके वहां पर शॉपिंग करने आ रहा है, और अगर मान लीजिए उनके पास समय नहीं है तो घर से ही अपनी पूरी लिस्ट तैयार करके प्रोडक्ट की, उसपे जो उनको मटेरियल चाहिए जितना क्वांटिटी में, वो मेंशन करके आपको व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो एक कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद आप उनको पैक कीजिए, प्रोडक्ट क्वालिटी का ध्यान रखिए और एक लिस्ट तैयार कीजिए,
होम डिलीवरी के समय चेक कराइए सारे प्रोडक्ट और पेमेंट कलेक्ट कीजिए, लेकर आ जाइए। तो ये एक साइड में आप एक नया कंसेप्ट स्टार्ट कर सकते हैं और इसको डोर टू डोर मार्केटिंग से भी जोड़ सकते हैं। जब आपका बिजनेस धीरे 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 डेवलप हो जाए तो आप एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रखिए, उसके पास एक डीएसआर रिपोर्ट तैयार, उसको एक डीएसआर रिपोर्ट तैयार करनी होगी डेली कि मैं इतने घरों को आज कवर करके आया हूँ, और उनको वो जो कैटलॉग है आपका होम डिलीवरी वाला, वो प्रोडक्ट वो जो कैटलॉग है वो उनको देना है घर पर, और वो उसके अकॉर्डिंग आपको कॉल करेंगे, आपकी शॉप पर भी आ सकते हैं वो परचेजिंग करने। एक तो आपकी मार्केटिंग बढ़ेगी शॉप की, और दूसरा वो होम डिलीवरी के लिए आपको कॉल करते हैं तो आप वो प्रोडक्ट होम डिलीवरी पे उनको कर सकते हैं। और वो जो चार्ट है उसमें कैलेंडर भी बनवा दीजिए डेट का, और उनके किचन में वो हैंग रहे कोशिश कीजिए, उनको समझाइए कि अभी अपने किचन में रखिए, इसमें कैलेंडर भी है साल भर की, आप तारीखें देख सकते हैं, फंक्शन देख सकते हैं। और इसी में हमारे बैक साइड में प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट है, आप अगर 2000 के प्रोडक्ट की शॉपिंग करते हैं तो आप होम डिलीवरी फ्री पाएंगे हमसे, हम आपको घर पे प्रोडक्ट यहाँ पहुंचा देंगे। तो मतलब एक छोटा सा साइड में आप ये कंसेप्ट स्टार्ट कर सकते हैं, इससे आपको एक्स्ट्रा अर्निंग स्टार्ट होगी, और बहुत से जो कस्टमर्स बिजी रहते हैं वो आपको घर बैठे ही प्रोडक्ट का ऑर्डर दे देंगे, और उससे भी आपको इनकम स्टार्ट होनी चालू हो जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट होम डिलीवरी के अलावा। ठीक है, अब बिजनेस स्टार्ट करना है, साहब परचुनी का बिजनेस है या ये होम नीड्स का प्रोडक्ट का बिजनेस है, अब इनकम 2-5 लाख रुपए तो हमारे पास है नहीं, क्या करें? तो प्रधानमंत्री जी ने एक शिशु लोन की स्कीम स्टार्ट कर रखी, हर बैंक में, भले आप पंजाब नेशनल में जाए, स्टेट बैंक में जाए, किसी में जाए, सिर्फ आपको आधार कार्ड देना है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं देनी है, 50,000 आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर मिल जाएंगे, और उस 50,000 को आपको एज ए बिजनेस यूज करना है। देखिए थोड़ा बहुत आपको स्टार्टिंग में बिजनेस में पैसा लगाना ही पड़ेगा, लेकिन आप बहुत ही लो लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इससे भी आप थोड़ा सपोर्ट ले सकते हैं। 6 महीने के अंदर ही वो आपकी रिपोर्ट देखेंगे, आपने फंड को प्रॉपर वे में यूज करा, समय समय पर पैसा निकाला है और उसमें वापिस रिसबमिट कर दिया, तो वो जो आपकी लिमिट है 50,000 की वो 1 लाख में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर 2.5 लाख में हो जाएगी, और ऐसे 10 से 15 से 20 लाख तक सिर्फ वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से ही आपकी लिमिट, सीसी लिमिट 20 लाख तक पहुंच सकती है, सिर्फ आपको अपनी ईमानदारी बैंक के साथ बरकरार रखनी है। तो ये स्कीम चल रही है शिशु लोन की, आप किसी बैंक में जाके पता कर सकते हैं, 50,000 स्टार्टिंग में इसमें मिलते हैं, इससे भी आपको बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए अब मैं बात करने जा रहा हूं कि आप नॉर्मल कोई भी बिजनेस करें, आप 2-5 साल में अगर उसको डेवलप कर लेते हैं, 2 साल में उसको सेट कर लेते हैं उस बिजनेस को, तो आपकी इनकम हो जाती है 15 से 20 हजार, 25 हजार, और 15 से 20 हजार, 25 हजार के अंदर आप अपने पूरे घर के खर्चे चला सकते हैं। लेकिन मैंने जो ये बिजनेस आइडिया आपको दिया है, बिजनेस का जो पूरा प्रोसेस बताया है, इस प्रोसेस को अगर आप अपने बिजनेस में यूज करेंगे तो ये इनकम मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, वो जो 25 हजार है उससे हो जाएगी बढ़कर 50,000 मंथली। और अगर आप 50,000 महीने के कमाते हैं, 25 हजार घर में खर्च कर देते हैं, तो उसमें से जो 25 हजार बचे उसमें से भी 12,500 अगर आप वापस री इन्वेस्ट कर देते हैं अपने बिजनेस को और ज्यादा डेवलप करने के लिए, तो भी आपके पास 12,500 बचते हैं। उस 12,500 को आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं एज अ सेविंग, कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में आपको साल के एंड में लगभग मान लीजिए 1.5 लाख रुपए के आसपास मिल रहे हैं, तो आप 1 साल के अंदर 1.5 लाख रुपए सबमिट कर एक छोटी मोटी कार आप परचेज कर सकते हैं। और अगर शोरूम नहीं करनी तो बहुत से ऑप्शंस होते हैं, बैंकों के थ्रू भी बहुत सी नीलामियां होती है कारों की, और वहां मैंने 5-5 लाख की कारें भी 1.5 से 2 लाख रुपए में बिकती हुई देखी है। वहां से आप डायरेक्ट ही, अगर आप बर्डन नहीं लेना चाहते कि भाई मैं ऐसी कार खरीदूं जिसकी मुझे किस्तें ही भरनी पड़े, तो वहां से आप परचेस कर सकते हैं। बहुत अच्छी कंडीशन में वो कारें मिलती है, बहुत अच्छी कंडीशन उनकी होती है, क्योंकि वो लोग किस्तें टाइम पे जमा नहीं कर पाते तो रिकवरी वाले उनसे वो कार ले लेते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया क्वालिटी की कारें होती है, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। आपका ड्रीम है, मुझे कोई फॉरेन टूर जाना है, मुझे बैंकॉक जाना है या सिंगापुर जाना है, तो 50,000 का खर्चा है, तो वो भी आप यहाँ से इंस्टॉलमेंट को बचाकर आप बिजनेस को भी डेवलप कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को भी एंजॉय कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, और अपने जो ड्रीम्स है वो भी टाइम टू टाइम आप पूरे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सारी चीजें हैं कि जो भी चीजें मैंने आपको बताई हवाई कुछ भी नहीं है, आपने कोई सपना देखा, उसका पोस्टर दीवार पे चिपकाया, डेट उस पर लगा दिए, तो साथ में मैंने एक्शन ओरिएंटेड कंसेप्ट बता दिया है कि उस सपने को पूरा करने के लिए सारे एक्शन ओरिएंटेड प्लान आपको यूज करने पड़ेंगे, और ये एक्शन ओरिएंटेड प्लान ही आपको उस सपने तक लेके जाएंगे। कोई भी बात सिर्फ सोचने मात्र से नहीं होगी, उस पर एक्शन करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। एक मेरे कस्टमर है बहुत अच्छे, रतलामी नमकीन भंडार वाले, और मैंने उनको हरदम अपनी शॉप के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हुए देखा, वो फ्री बैठते ही नहीं है, जबकि उनकी जो शॉप है वो नंबर 1 है आज, मतलब
मतलब हमारे शहर के अंदर, लेकिन वो कभी भी शांति से नहीं बैठते, कुछ ना कुछ अपना दिमाग उस शॉप में लगाते रहते हैं, उसको इस तरीके से ब्यूटीफुल बनाए, इस प्रोडक्ट को इस तरीके से कस्टमर आएगा एंटर होगा तो उसको वो चीज सामने दिखनी चाहिए, इस तरीके से डिस्प्ले बनाए, या फिर इस प्रोडक्ट की क्वालिटी में ये हल्का सा बदलाव आ गया, इसके लिए वो अहमदाबाद जाते हैं, जयपुर जाते हैं, और उसके लिए उस प्रोडक्ट को कैसे और क्वालिटी वाला बनाए, अच्छा बनाए, उसके लिए परचेजिंग करते हैं। मतलब मैंने उनकी चित्त शक्ति को हरदम उस शॉप में देखा, और यही कारण है उनका नंबर वन होने का। आप अपनी जो चित्त शक्ति है उसको टीवी से हटाएं, दुनिया दारी से हटाएं, अपने बिजनेस पे फोकस कर दीजिए। मैं बोल रहा हूं आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी ब्रेन पावर जितने भी कस्टमर्स हैं उनको धनाधन खींच के लाएगी, आपके पास पहुंचा देगी। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल ईमानदार हैं, अपने बिजनेस पे पूरा ध्यान दे रहे हैं, अपने बिजनेस की क्वालिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, और ये चीज बोलने की जरूरत नहीं होती है, जो सच्चाई होती है वो चेहरे पर झलकती है। और अगर आप इस पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं, इस एनर्जी को इंक्रीज करना चाहते हैं कि मैं इतने काम कैसे करूंगा, तो ये एनर्जी बहुत इजीली आप गेन कर सकते हैं मेडिटेशन से। मेडिटेशन की वीडियो मैंने बता रखी है इस चैनल पे, आप मेडिटेशन कीजिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इतनी एनर्जी होगी आपके अंदर, इतनी प्रचुर मात्रा में एनर्जी होगी कि आपके सामने अगर कोई खड़ा हो गया आके तो वो आपसे दूर जा ही नहीं सकता, आप मतलब मंत्र मुग्ध कर देंगे उस सामने वाले को। इतनी पावर, इतनी एनर्जी आपके अंदर होगी, एक अजीब गरीब एक एक्साइटमेंट आपके अंदर होगा जो सामने वाले को आपकी तरफ खींच देगा। बिजनेस को बहुत इजीली डेवलप किया जा सकता है, बस सिस्टमेटिक तरीके से उसको फॉलो किया जाए। और भी मार्केटिंग के कंसेप्ट है, मार्केटिंग के ऊपर 5 बेसिक्स और 3 कार्डिनल रूल और एक बहुत से कंसेप्ट है जो मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा। अगर वो भी आप अपने बिजनेस के अंदर यूज करते हैं तो और अच्छी आपको हेल्प मिलेगी। और बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन इनकी ट्रेनिंग लेते हैं, बहुत बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनसे, जो मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे सेमिनार्स मीटिंग बहुत अटेंड कर चुका हूँ। मतलब मैंने 2-2.5 हजार की एंट्रेंस टिकट देके 2 घंटे के सेमिनार अटेंड कर रहे हैं इस तरह की नॉलेज को लेने के लिए। तो ये जो नॉलेज है ये बहुत अच्छे लोगों से मेरे पास आई है, और मैंने उनको प्रैक्टिकली अपने जीवन में यूज करके उन चीजों को गेन कराया, उन सपनों को गेन कराया जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं। तो काम करती है ये चीजें लाइफ के अंदर, इसे एक बार यूज करके देखें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।